नमस्कार, मैं अश्वानी बिहारी, न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 3 नवंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। IBPS ने 710 रिक्तियों के लिए जारी किया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। बिहार के विभिन्न शहरों के लिए चलेगी 62 नई बसें। मोकामा गोपालगंज में आज होगी महागठबंधन की अग्नि परीक्षा। इन 13 जिलों के 9 स्टेट हाईवे की बढ़ेगी चौड़ाई। बारिश से बाधित मैच में भारत ने बांग्लादेश को 5 रन से हराया। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। IBPS ने 710 रिक्तियों के लिए जारी किया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल IBPS ने कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस SPL 12 एग्जाम 2022-23 के द्वारा विभिन्न डिसिप्लिन में स्पेशलिस्ट ऑफिसर के कुल मिलाकर 710 रिक्तियों पर भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को अलग अलग पदों के लिए अलग अलग योग्यता होनी चाहिए, जिसमें संबंधित पदों के अनुसार संबंधित डिसिप्लिन में BE या BTech या ग्रेजुएशन या LLB या PG या MBA या डिप्लोमा और रिलेवेंट इक्विवेलेंट डिग्री पास होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन करने की अंतिम तारीख 21 नवंबर 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। बिहार के विभिन्न शहरों के लिए चलेंगी 62 नई बसें। बिहार के पथ परिवहन विभाग ने राज्य के अंदर ही अलग अलग शहरों के लिए और झारखंड के अलग अलग रूटों पर नई बसें चलाने का फैसला लिया है, जिसमें राज्य के एक दूसरे जिलों में आने जाने के लिए 62 नई बसें और बिहार से झारखंड के लिए 38 नई बसों का चलाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए इच्छुक एजेंसियों से परिवहन विभाग ने 30 नवंबर तक आवेदन मांगा है। जिन शहरों के लिए बसें चलेंगी उनमें पटना से सीतामढ़ी, लहेरीसराय से पटना, नवादा से बिहार शरीफ, मधुबनी से पटना, पटना से नवादा, पटना से पूर्णिया, पटना से निर्मली, दरभंगा, पाली के लिए बसें चलाई जाएंगी। वहीं झारखंड के लिए चलाई जाने वाली बस की बात करें तो राजधानी पटना से रांची के लिए 4, टाटा के लिए 4, देवघर के लिए 2, दुमका के लिए 2, हजारीबाग के लिए 2, डाल्टनगंज के लिए 2 बसें चलाई जाएंगी। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे ऐश्वर्या निगम की। ऐश्वर्या निगम एक भारतीय गायक हैं। उन्हें हिंदी फिल्मों में पार्श्व गायक के रूप में जाना जाता है, खासकर दबंग जैसी फिल्मों के लिए। दबंग के गीत मुन्नी बदनाम हुई के लिए उन्हें कई पुरस्कार भी मिल चुके हैं। उनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था। उनकी मां आरती रंजन मुखर्जी सेमिनरी मुजफ्फरपुर में लेक्चरर के रूप में काम करती हैं, जबकि उनके पिता मुकेश रंजन पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजर हैं। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा सनशाइन प्रेप हाई स्कूल मुजफ्फरपुर से की है। निगम का बचपन न्यू कॉलोनी शेरपुर मुजफ्फरपुर बिहार में बीता है। निगम ने गायिका और इंडियन आइडियल फेम दीपाली सहाय से शादी की है, जो एक गायिका भी हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में बिहार बोर्ड के छात्रों का जलवा। CUET के जरिए इस साल बिहार बोर्ड के छात्रों का दिल्ली यूनिवर्सिटी में जलवा देखने को मिला है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का पहला मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है और इसमें 59,019 छात्रों का नामांकन हुआ है। इसमें बिहार बोर्ड के छात्रों का भी जलवा दिख रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार 59,019 में से 50,941 छात्र CBSE बोर्ड के हैं। वहीं ICSE के 2020 और बिहार बोर्ड के 1,348 छात्र हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि पिछले साल केरल बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन के छात्रों ने दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा बनाया था। इस साल अब तक सिर्फ 342 छात्रों ने प्रवेश लिया है। पिछले साल अकेले हिंदू कॉलेज में केरल बोर्ड के 615 छात्रों ने दाखिला लिया था। सोनपुर मेले में पर्यटकों को इतने कम रुपए में मिलेगी स्विस कॉटेज की सुविधा। विश्व प्रसिद्ध हर हर क्षेत्र में लगने वाला सोनपुर मेले का उद्घाटन 6 नवंबर को होने जा रहा है, जिसका शुभारंभ 6 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। मेले का आयोजन कोरोना की वजह से 2 साल के बाद इतने भव्य तरीके से होगा। इसको देखते हुए इस वर्ष काफी लोगों के इस मेले में पहुंचने की उम्मीद है। वहीं आपको बताते चले कि बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के द्वारा मेले में आने वाले यात्रियों को अच्छा महसूस कराने के लिए 20 स्विस कॉटेज का निर्माण कराया गया है। मेला घूमने आने वाले पर्यटक इस स्विस कॉटेज की बुकिंग करा सकते हैं। स्विस कॉटेज में रुकने के लिए 6 नवंबर से 12 नवंबर तक के लिए 6,000 रुपए के साथ GST का भुगतान करना होगा। वहीं 13 नवंबर से 19 नवंबर तक कॉटेज में ठहरने के लिए 4,000 रुपए पर्यटक को देना होगा, जबकि 20 नवंबर से 26 नवंबर तक ठहरने के लिए पर्यटकों को थोड़ा कम पैसा देना होगा। इसके लिए पर्यटक को केवल 1,500 रुपए और GST का भुगतान करना होगा।
मोकामा गोपालगंज में आज होगी महागठबंधन की अग्नि परीक्षा। लंबे इंतजार के बाद आज वो दिन आ गया है जब मोकामा और गोपालगंज विधानसभा सीट पर मतदान होना है। मोकामा सीट पर हो रहे उपचुनाव बेहद दिलचस्प हो चुके हैं क्योंकि यहां दो बाहुबलियों की पत्नियां आमने सामने हैं। राजद उम्मीदवार अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी और दूसरी ओर भाजपा उम्मीदवार ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी मोकामा विधानसभा सीट पर कमल खिलाने की कोशिश में है। मोकामा को अनंत सिंह का गढ़ माना जाता है जो यहाँ पिछले 18 सालों से जीत दर्ज करते आए हैं। वहीं ललन सिंह भी लगातार उन्हें चैलेंज देते रहे हैं। इस बार उनकी पत्नी सोनम देवी भी फिर एक बार मैदान में उतरी हैं। हालांकि आज इन दोनों के किस्मत का फैसला हो जाएगा। मोकामा में भूमिहार वोटरों की भूमिका सबसे निर्णायक रहती है। 6 नवम्बर को मतगणना के बाद यह तय होगा कि इस बार जनता का मिजाज कैसा है, क्योंकि देखना यह भी होगा कि महागठबंधन सरकार को जनता ने स्वीकार किया है या नहीं। 9वीं कक्षा के छात्रों का रजिस्ट्रेशन हुआ शुरू। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए 9वीं कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन बीते दिन बुधवार से शुरू हो गया है। वैसे छात्र और छात्राएं जो सत्र 2023-24 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं वो secondary.biharboardonline.com पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बता दें कि पहले स्कूल प्रमुख वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करें, सभी स्टूडेंट्स को भरने के लिए उपलब्ध करा दें। भरे गए फॉर्म विद्यार्थियों के अभिलेख से उसका मिलान करेंगे। इसके बाद विद्यार्थियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे। वहीं ऑनलाइन फॉर्म भरने या शुल्क जमा कराने में किसी प्रकार की असुविधा होती है तो समिति के हेल्पलाइन नंबर 0612223274 पर संपर्क किया जा सकता है। मेठा बुधराम मंदिर इस वजह से है बेहद खास। मेठा बुधराम मंदिर बोधगया में स्थित एक थाई मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण थाई वास्तुकला पर आधारित है। परिसर के बाहरी आवरण का निर्माण स्टेनलेस स्टील और दर्पण से सुसज्जित किया गया है जो कि देखने में बहुत ही आकर्षक लगता है। मंदिर का फर्श लकड़ी का बना है और ठीक इसके नीचे सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से निर्मित फर्श वाला ध्यान कक्ष है जो भक्तों को ध्यान प्रार्थना के लिए एक आदर्श वातावरण प्रदान करता है। मंदिर को विभिन्न तरह की कलाकृतियों मूर्तियों से सजाया गया है जो सफेद सीमेंट मिट्टी और एपॉक्सी पेंट के मिश्रण से हस्त निर्मित है। पर्यटक इसके विशिष्ट वास्तुकला और भगवान बुद्ध की मूर्ति की सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। शाम को मंदिर परिसर की कृत्रिम रोशनी इसकी खूबसूरती को और भी मनमोहक बनाती है। इन 13 जिलों के 9 स्टेट हाईवे की बढ़ेगी चौड़ाई। बिहार के 13 जिले सुपौल, अररिया, सारण, सिवान, बक्सर, नवादा, गया, भोजपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी, बांका, भागलपुर और मुजफ्फरपुर से जुड़े स्टेट हाईवे की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। ये करीब 430 किलोमीटर लंबे हैं जिन्हें 225 तक चौड़ीकरण कर बेहतर बनाने की समय सीमा निर्धारित की गई है। इसके बाद इन सभी जिलों की यातायात की सुविधा बेहतर होगी। हालांकि इनके लिए अलग अलग जगहों से मंजूरी का इंतजार है। वहीं सभी 9 SH की चौड़ाई बढ़ाने में एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से ऋण के रूप में आर्थिक मदद मिलेगी। फिलहाल इन सड़कों की औसतन चौड़ाई करीब 5 मीटर है, उसे बढ़ाकर 7 मीटर किया जाएगा। इन सभी सड़कों का निर्माण बिहार राज्य सड़क विकास निगम लिमिटेड की देखरेख में किया जाएगा। राजधानी के मरीन ड्राइव पर गाड़ी दौड़ाने के लिए चुकाने होंगे पैसे। मुंबई के मरीन ड्राइव के तर्ज पर राजधानी पटना में गंगा नदी के किनारे बनाए गए जेपी गंगा पथ पर फराटा भरने के लिए जल्द ही टैक्स चुकाना पड़ेगा। इसके लिए राजापुर के निकट टोल प्लाजा का निर्माण चल रहा है। बता दें कि पथ विकास निगम राजापुर के निकट दोनों ओर 3-3 लेन का टोल काउंटर बना रहा है। इसमें 3 तरह के टोल टैक्स लेने के प्लान बन रहे हैं। टोल नीति में व्यावसायिक, निजी और स्थानीय नागरिकों के वाहनों के लिए अलग अलग टैक्स का निर्धारित करना है। स्थानीय नागरिकों को दिन भर में अनेक बार आने जाने के लिए अलग से व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। सांख्यिकी स्वयं सेवकों की नीतीश तेजस्वी से गुहार। बिहार के सांख्यिकी स्वयंसेवक लंबे समय से रोजगार के लिए गुहार लगा रहे हैं लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई। लेकिन सांख्यिकी स्वयंसेवक की बिहार की नई महागठबंधन सरकार से उम्मीद है। बता दें कि सांख्यिकी स्वयंसेवक संघ ने डिप्टी CM तेजस्वी यादव को पत्र लिखा है और रोजगार देने की गुहार लगाई है। संघ के सदस्यों का कहना है कि पात्रता परीक्षा लेकर बहाली की गई, इसके बाद पैनल रद्द कर दिया गया। हम लोगों ने हर जगह फरियाद किया लेकिन अब तक हमारी मांग पर विचार नहीं किया गया है। बता दें कि वर्ष 2012-13 में सांख्यिकी स्वयंसेवक की बहाली पात्रता परीक्षा लेकर की गई थी। इनकी बहाली फसल उत्पादन, आर्थिक गणना, जनगणना, वर्षापात आदि आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए की गई थी, मगर छठी आर्थिक गणना खत्म होते ही बिहार सरकार ने इनके पैनल को ही रद्द कर दिया। तब से लेकर अब तक लोग बेरोजगार हैं।
इसी महीने सभी सरकारी विद्यालयों में लागू हो सकती है यह व्यवस्था। बिहार के सरकारी विद्यालयों में अब शनिवार को नई व्यवस्था के तहत पढ़ाई होगी और यह व्यवस्था इसी महीने नवंबर में लागू किए जाने की कवायद चल रही है, जो कि बिहार के कुल 72,000 सरकारी विद्यालयों में लागू किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इसी महीने से यानी नवंबर से राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में शनिवार को नो बैग डे होगा, मतलब विद्यार्थियों को अपने बस्ते के बिना ही स्कूल जाना होगा, क्योंकि इस दिन खेलकूद वाली सिर्फ घंटी बजेगी। इस दिन उन्हें प्राकृतिक आपदा के बारे में जानकारी दी जाएगी, खेलकूद, योग, व्यायाम, पीटी आदि के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके लिए स्कूल में घंटी लगेगी, बच्चे को एक एक डायरी दी जाएगी, उसमें सामाजिक सुधार, बाल विवाह रोकने, शराबबंदी के बारे में जानकारी रहेगी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनके प्रेरणादायक संदेश डायरी में रहेंगे, इसे पढ़ाया जाएगा। बारिश से बाधित मैच में भारत ने बांग्लादेश को 5 रन से हराया। भारतीय टीम ने एडिलेड में सुपर 12 के अहम मुकाबले में बांग्लादेश को 5 रनों से हरा दिया है। इस जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया 6 अंकों के साथ टॉप पर पहुंच गई है और सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद काफ़ी बढ़ गई है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने केएल राहुल के 50 रन और विराट कोहली के 64 रन के अर्धशतकीय पारियों के दम पर निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 184 रन बनाए। 185 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम ने गजब की शुरुआत की। 7 ओवर में बांग्लादेशी टीम का स्कोर 66-0 था, लेकिन तभी जोरदार बारिश शुरू हो गई और मैच को रोकना पड़ गया। कुछ देर बाद बारिश रुका और दोबारा से खेल शुरू हुआ। अब मैच 16 ओवरों का हो गया था और बांग्लादेश को 51 रनों का लक्ष्य मिला। बारिश के बाद खेल एकदम से भारत की तरफ मुड़ गया। अंतिम ओवर में बांग्लादेश को जीत के लिए 20 रनों की जरूरत थी, लेकिन टीम 5 रनों से चूक गई और भारत ने रोमांचक जीत हासिल करते हुए 2 जरूरी अंक हासिल कर लिए। अब रविवार 6 नवंबर को भारत सुपर 12 में अपना आखिरी मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलेगी। यह मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। बीपीएससी AE एग्जाम 2022 का जारी हुआ शेड्यूल आज से डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड। बिहार लोक सेवा आयोग सहायक इंजीनियरिंग परीक्षा 2022 का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। इस परीक्षा का एडमिट कार्ड आज जारी किया जाना है। वेबसाइट पर जारी अपडेट के अनुसार 10 और 11 नवंबर को 3 पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। वेबसाइट पर जारी अपडेट में यह भी बताया गया है कि bpsc.bih.nic.in से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जारी अपडेट में यह भी बताया गया है कि परीक्षार्थियों को नियम का ध्यान रखना होगा, साथ ही परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र लेकर आना होगा। डाक के माध्यम से एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। साथ ही जारी अपडेट में यह भी बताया गया है कि परीक्षार्थियों को अपने समय का भी ख्याल रखना है। मध्य नवंबर तक विद्यार्थियों को मिल जाएंगे साइकिल और पोशाक के पैसे। बिहार के सरकारी विद्यालयों में अलग अलग योजनाओं के मद में शैक्षणिक सत्र 2022-23 के अक्टूबर माह गुजर जाने के बाद भी विद्यार्थियों के खाते में अभी तक योजनाओं की राशि नहीं भेजी गई है। शिक्षा विभाग ने फाइलों में उलझे इस काम को गंभीरता से लिया है। शिक्षा विभाग ने बताया कि बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न लाभुक योजनाओं की राशि मध्य नवंबर यानी 15 तारीख तक DBT के माध्यम से खाते में भेजी जाएगी। 15 नवंबर को समारोह पूर्व 75% हाजिरी की अनिवार्यता पूरी करने वाले लाखों बच्चों के खाते में विभिन्न योजनाओं की तकरीबन 5,000 करोड़ की राशि भेजी जाएगी। यह राशि 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के साइकिल के साथ ही पोशाक, छात्रवृत्ति और प्रोत्साहन योजना तथा किशोरी स्वास्थ्य योजना के तौर पर अकाउंट में ट्रांसफर किए जाएंगे। बहुत ही जल्द आम लोगों के लिए शुरू हो जाएगा ई-रुपया। बहुत ही जल्द आम लोगों के लिए ई रुपये की शुरुआत हो सकती है। इस पूरे मामले को लेकर बोलते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि आम लोगों के लिए इसी महीने ई रुपये में लेन देन की सुविधा शुरू कर दी जाएगी। आपको बता दें कि इन दिनों देश में ई रुपया पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट में 9 बैंकों को शामिल किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि इसमें पारदर्शिता रखने के लिए काम चल रहा है और बहुत जल्द ही देश में इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि विश्व में जहां इन दिनों इकॉनमी में बदलाव हो रहा है, ऐसे में देश की भी मौद्रिक नीतियों में भी बदलाव की जरूरत है। इस ओर भारत काम कर रहा है। दलाई लामा के संभावित आगमन को लेकर गया DM ने की बैठक। बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा के दिसंबर माह में बोधगया में संभावित आगमन को लेकर गया के जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजो ने SM एवं वरीय पुलिस अधीक्षक हरप्रीत कौर की अध्यक्षता में बैठक की गई। इस बैठक में वरीय पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी तथा तिब्बत मोनेस्ट्री के केयर टेकर शामिल हुए। इसमें कई आवश्यक निर्देश भी दिए गए। जिला पदाधिकारी ने कहा कि दिसंबर माह में महापावन दलाई लामा के कार्यक्रम संभावित हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के बाद लगभग 2 सालों के
बाद यह कार्यक्रम संभावित होने जा रहा है। बता दें कि कालचक्र मैदान में महापावन दलाई लामा द्वारा विभिन्न बौद्ध श्रद्धालुओं को टीचिंग कार्यक्रम दिया जाता है। दलाई लामा के टीचिंग कार्यक्रम में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को लंगर एवं चाय पिलाया जाता है। ऐसे में आकलन कर लेने के लिए कहा गया है कि कितने LPG तथा कितनी मात्रा में किरासीन तेल की आवश्यकता पड़ेगी, साथ ही अन्य व्यवस्था पर भी ध्यान देने के लिए कहा गया है। सुरंग एवं पहाड़ी रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को IIT पटना करेगा दूर। जल के अंदर सुरंग और पहाड़ी नुमा रास्तों की संरचना को विकसित करने का काम IIT पटना करेगा। दरअसल राजमार्ग में नई तकनीक के विकास पर राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड NHIDCL के अधिकारियों ने दौरा कर बीते दिनों बैठक की थी। बैठक में राजमार्ग निर्माण के क्षेत्र में नए विचार और प्रौद्योगिकी पर ज्ञान साझा किया गया और वहीं IIT पटना व NHIDCL के साथ एक MOU साइन हुआ था। इसी के तहत IIT पटना नई परियोजना की अवधारणा रचना और परियोजना तैयार करने में NHIDCL की मदद करेगा। वित्त मंत्री विजय चौधरी का आरोप, केंद्र से नहीं मिल रही मदद। NDA से अलग होकर महागठबंधन की सरकार बनने के बाद भाजपा और जदयू एक दूसरे पर आरोप लगाने का मौका नहीं चूकते। वहीं जब से जदयू भाजपा से अलग हुई है, महागठबंधन सरकार का आरोप है कि केंद्र सरकार से वित्तीय मदद नहीं मिल रही है। वहीं एक बार फिर से बिहार के वित्त मंत्री ने योजनाओं की राशि घटाने का आरोप लगाया है और केंद्र पर मदद नहीं करने का आरोप लगाया है। साथ ही केंद्र सरकार से विशेष राज्य के दर्जे की मांग भी दोहराई। वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार को संवैधानिक व्यवस्था तहत मदद देनी है, वह नहीं दे रही है। समग्र शिक्षा योजना हो या वृद्ध जन पेंशन योजना हो और किसी भी में केंद्र सरकार समय पर राशि नहीं दे रही है। ललन सिंह का सुशील मोदी और संजय जायसवाल पर जुबानी हमला। भाजपा और जदयू का जुबानी जंग जारी है। फिलहाल राजनीतिक गलियारों में जदयू का राजद में विलय होने को लेकर खूब चर्चे चल रहे हैं। विलय की खबर पर जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पूर्ण विराम लगा दिया है। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि सुशील मोदी ने बयान दिया है कि जदयू और RJD का विलय होने वाला है, तो ललन सिंह भड़क गए। उन्होंने कहा कि सुशील मोदी व्याकुल है। उन्होंने जदयू में एक एजेंट अपॉइंट किया था लेकिन वे पकड़े गए। सुशील मोदी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, महागठबंधन अटूट है और टूट रहेगा। वही जब उनसे संजय जायसवाल से जुड़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जायसवाल जैसे लोगों को कोई जवाब नहीं देना चाहते हैं, वो इस लायक नहीं है। याद कीजिए, वो RJD के प्रखंड अध्यक्ष थे, उनकी क्या हैसियत है। नीतीश का साथ नहीं छोड़ेंगे मांझी। हम प्रमुख जीतन राम मांझी नीतीश कुमार का साथ नहीं छोड़ेंगे और NDA में भी नहीं जाएंगे। यह बात खुद पूर्व CM जीतन राम मांझी ने कही है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कुछ पोर्टल या मीडिया के द्वारा उपचुनाव के दौरान यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि मांझी NDA में जा सकते हैं। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि हम माननीय नीतीश कुमार जी के साथ हैं, उनका जो निर्णय होगा हम उनके साथ रहेंगे। रही बात तेजस्वी यादव जी को आगे बढ़ाने पर, इसे लेकर कोऑर्डिनेशन की बैठक के माध्यम से घोषणा हो तो सही रहेगा। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। आमेर का वीर और बहुत ही कूटनीतिज्ञ राजा सवाई जय सिंह का जन्म 1688 में हुआ। मुंबई में पृथ्वी थिएटर स्थापित करने वाले हिंदी फिल्म और रंगमंच अभिनय के इतिहास महापुरुष पृथ्वीराज कपूर का जन्म 1906 में हुआ। स्वतंत्रता सेनानी और महिला अधिकारों की पैरवी करने वाली अन्नपूर्णा महाराणा का जन्म 1917 में हुआ। अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन का जन्म 1933 में हुआ। हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार लक्ष्मीकांत का जन्म 1937 में हुआ। भारतीय निशानेबाज मानवजीत सिंह संधु का जन्म 1976 में हुआ। परमवीर चक्र पाने वाले प्रथम भारतीय शहीद सोमनाथ शर्मा का निधन 1947 में हुआ। प्रसिद्ध लोक गायिका रेशमा का 2013 में निधन हुआ। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना पहला भाषण दिया। भारत में 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों में 3000 से ज्यादा लोग मारे गए। भारत सरकार द्वारा 2004 में डायरेक्ट टू होम प्रसारण सेवा सभी के लिए शुरू की गई। वायरल खबर में आज बात होगी 670 रुपये में मिलने वाली नौकरी के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे 650 रुपये में मिलने वाले नौकरी के बारे में। दरअसल PIB ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि 670 रुपये देने पर केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया योजना के तहत टावर लगवाए जा रहे हैं, इसके बदले 25,000 रुपये प्रति माह और पक्की नौकरी भी मिलेगी। PIB ने आगे लिखा है कि यह दावा फर्जी है, डिजिटल इंडिया योजना के तहत कोई टावर नहीं लगवाए जा रहे हैं, ऐसी धोखाधड़ी से सावधान रहें। सुरक्षा और दुरुपयोग के मद्देनजर व्हाट्सएप ने भारत में लाखों अकाउंट्स किए बैन। हाल में व्हाट्सएप ने कहा कि उसने नए IT नियम 2021 के तहत सितंबर महीने में भारत के 26 लाख से अधिक आपत्तिजनक खातों को बैन कर दिया है। IT रूल्स 2021 के तहत प्रमुख डिजिटल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसमें 5 मिलियन से अधिक यूजर्स हैं, उन्हें मासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करनी होती है। इस बीच मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने डिजिटल नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के उद्देश्य से कुछ संशोधनों को अधिसूचित किया है।
नीतीश द्वारा तेजस्वी को आगे बढ़ाने की बात नहीं पचा पा रहे मांझी। 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष की ओर से पीएम का चेहरा बनने की कवायद में जुटे नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को बिहार की कमान सौंपेंगे या नहीं, वो बाद की बात है, लेकिन इसकी चर्चाएं तेज हैं और इसे भी झुठलाया नहीं जा सकता है कि सीएम नीतीश खुद कई बार तेजस्वी यादव की ओर इशारा करते हुए आगे बढ़ाने की बात कर चुके हैं। इधर तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार द्वारा आगे बढ़ाने की बात को पूर्व सीएम जीतन राम मांझी नहीं पचा पा रहे। हम के संरक्षक जीतन राम मांझी ने कहा कि तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाने को लेकर कोऑर्डिनेशन या कमेटी की बैठक हो, उसके माध्यम से निर्णय लेकर आगे बढ़ाने की घोषणा हो तो अच्छा रहेगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है मृत्युंजय कुमार, सुबोध कुमार, कामेश कुमार, अमन कुमार, अनवर करीम खान, मनोज कुमार, उमेश ऋषिदेव, अखिलेश यादव, मंगिता भारती, अंशु कुमार, सुधांशु कुमार, नागेंद्र यादव और रणधीर कुमार सिंह। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि भारत बनाम बांग्लादेश मुकाबले में आपको किस खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे अच्छा लगा? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।